हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू माई चैनल टिटूज क्लास आज हम इंग्लिश ग्रामर की टॉपिक में पढ़ेंगे ही शी एंड इट यह स्पोकन इंग्लिश के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सो so स्टार्ट कुछ पिक्चर्स हैं जिसको आपको ऑब्जर्व करके रीड करना है हरी इज अ बॉय ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल हरी एक लड़का है और उसे फुटबॉल खेलना पसंद है नेक्स्ट रितु इज अ गर्ल शी इज सिक्स यर्स ओल्ड रितु एक लड़की है और वह छः साल की है किटी इज अ कैट इट इज माई पेट किटी एक बिल्ली है और यह मेरी पालतू है तो ये तीन सेंटेंसेस को आपने ध्यान में पढ़ा क्या देखा इसमें फर्स्ट इज हरी इज अ बॉय ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल हरी एक सिंगुलर नाउन है और वो बॉय है तो वहां पे मैंने हरी को रिप्लेस किया ही से रितु इज अ गर्ल इज़ सिक्स ईयर्स ओल्ड रितु एक सिंगुलर नाउन है और वो गर्ल है तो मैंने ऋतु को रिप्लेस किया शी से किटी इज़ अ कैट इट इज़ माय पेट किटी कैट है और वह पेट है किटी इज़ अ सिंगुलर नाउन और वो एनिमल में आता है इसी वजह से हम वहाँ पे इट यूज़ किए मीन्स एनिमल और थिंग की जब हम बात करते हैं तो हम इट यूज़ करते हैं तो इन सेंटेंसेस से हमने क्या सीखा हमें यह समझ में आ रहा है इन सेंटेंसेस से कि वेन वी यूज ही शी एंड इट वी यूज ही शी एंड इट वेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग वी कैन रिप्लेस अउन विथ ही शी एंड इट जब एक पर्सन प्लेस एनिमल थिंग की बात होती है तब हम यूज करते हैं ही शी और इट और जब नाउन को रिप्लेस किया जाता है तब यूज करते हैं लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स complete the sentences with he she and it it is a male so i will write he is a doctor singular noun this is an animal singular noun it is a squirrel because it is name of animal she i will use she because female and singular noun she is a teacher thing watermelon is a thing so it is a watermelon मेल जेंडर सिंगुलर नाउन सो ही इज अ पायलट अगेन थिंग बाइक इज अ थिंग एंड इट इज सिंगुलर नाउन इट इज अ बाइक होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में